नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों सबसे पहले बता दें, जिनका भी आज बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उन्हें हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगुनी रात चौगुनी की तरक्की पर रहें और आपके जीवन में हमेशा खुशियों से भरा रहे। मित्रों, यश में आपकी लव लाइफ, बिजनेस, व्यापार, धन दौलत, रुपये पैसे तथा स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपको देंगे। आखिर ऐसे किन किन चीजों से लेकर आज आपको सावधान रहना है, और साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे आज आपकी ग्रहों की स्थिति कैसी रहेंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सब चीजों से लेकर आपके राशि पर क्या असर होगी। तो आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। जिन्हें वीडियो के अंत में काफी अच्छे विचार दिए गए हैं, जिन्हें आप जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, ताकि आपके राशि से जुड़ी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के पंचांग से। तो दिन आज बुधवार का रहेगा, महीना जो है वो चैत्र का रहने वाला है। तिथि की बात करें तो कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि बन रही है, जो कि यह रात्रि के 2:09 से लेकर ठीक अगले दिन के रात्रि के 2:29 तक चलता रहेगा, और इसके आगे कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि जो है वह प्रारंभ हो जाएगा। नक्षत्र की बात करें तो धनिष्ठा नामक नक्षत्र बन रहा है, जो कि यह रात्रि के 2:35 से लेकर ठीक अगले दिन के रात्रि के 3:33 तक चलता रहेगा, और इसके आगे शतभिषा नामक नक्षत्र जो है वह प्रारंभ हो जाएगा। योग की बात करें तो शाद्य नामक योग बन रहा है, जो कि यह दोपहर 2:29 तक चलेगा, और इसके आगे शुभ नामक योग जो है वह प्रारंभ हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्य उदय का जो समय है वो रहेगा सुबह के 6:17 पर, और सूर्यास्त का जो समय है वो रहेगा शाम के 6:40 पर, और चंद्र उदय का जो समय है वो रहने वाला है रात्रि के 3:28 पर, और चंद्रास्त का जो समय है वो रहेगा दोपहर 2:42 पर। सूर्य राशि रहेगा मीन राशि पर, और चंद्र राशि चंद्रमा मकर राशि, इसके उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगा, जो कि यह दोपहर ठीक 3 तक चलेगा, अर्थात दिन का शुभ समय। तो आज के डेट में कोई भी शुभ समय नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं अशुभ काल यानी राहु काल की बात करें तो यह दोपहर 12:29 से लेकर ठीक दोपहर 2:02 तक चलता रहेगा। याद रखिएगा दोस्तों, आप राहु काल के समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को बिल्कुल भी ना करें, और ना आपके कार्य में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। चलता रहूंगा रास्ते पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मुझे मंजिल मिलेगी या फिर एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन लगातार बरसना बड़ी नदियों के बहाव के बराबर हो जाता है। वैसे ही हमारी छोटी प्रयास भी जिंदगी के बड़ा परिवर्तन ला सकता है। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा जाता है। हीरो को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, क्योंकि धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। सपने वो नहीं होते हैं जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें नींद न आने दे। जो गुजर गया उसे याद मत करो, मुकद्दर में जो लिखा है उसकी फरियाद मत करो। मुकद्दर में जो लिखा है वो होकर रहेगा, तुम आज के चक्कर में कल को बर्बाद मत करो। तो चलिए इसी के साथ जानते हैं डेली राशि फल और पूरे दिन की घटनाओं की जानकारी। कन्या राशि जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, क्या कहते हैं आज आपके सितारे, तो चलिए हम पूरी विस्तार से जानेंगे। कन्या राशि का दैनिक राशिफल, आप आज किसी अपराजेय शक्ति पूंजी के समान महसूस करेंगे और किसी भी विरोध पर आसानी से विजय हासिल कर लेंगे। आज का दिन उस काम को करने का बहुत अच्छा समय है जो आपको काफी समय से करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आज आपको कोई नहीं रोक सकता है। आज का दिन अपने सबसे महत्वपूर्ण काम करें, सफलता आपके कदम चूमेगी। स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की अगर बात की जाए तो आज आपको वायरल ठंड या मौसमी बुखार से परेशान होना पड़ सकता है। आपको इससे बचने के लिए समय से सावधानी रखते हुए दवा भी लेनी पड़ सकती है। कुल मिलाकर आपने अब स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाई हुई है और आपको बहुत जल्द ही इसे सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके दिमाग में बस ये स्वास्थ्य रहने की इच्छा छाई हुई है, और आज अपने आज आराम करने से आपको अपना स्वास्थ्य काफी बेहतर अनुभव होगा। प्यार और संबंध राशिफल की अगर बात की जाए तो आज आपको अपने पार्टनर से बात करने के लिए काफी धीरज से लेना होगा। अगर शांति बनाए रखनी है तो सोच समझ कर बोले, छोटी मोटी कहासुनी भी गंभीर रूप से धारण कर सकती है। हालांकि ऐसा कभार ही होता है, इससे अधिक तूक न दें, अगर देंगे तो आपके जीवन में किसी भी अच्छी चीज को लेकर देंगे। आज चुप्पी साधना इससे बेहतर रहेगा। करियर और धन राशि फल की अगर बात की जाए तो आपके प्रतियोगी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी विस्फोटक आत्मविश्वास की भावना आपको अपराजित
रखेगी। इस समान आप अपने विनम्र स्वभाव बंद करें ताकि कोई आपका अनुसूचित लाभ न ले। आपको कुछ अप्रत्याशित धन प्राप्त हो सकता है जिसका इंतजार आप लंबे समय से कर रहे थे। दोस्तों, अगर आप इस जानकारियों से सहमत हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम गणेशाय नमः जरूर लिखें। धन्यवाद। आज आपका दिन शुभ हो।